गाइस देख लीजिए हम आ गए आनंद भैया के दुकान में। अभी क्या बोलते हैं हमको कि आया है तो अपना मोबाइल खुदे से खोलो। बताइए तो ये सब पैच खोले हमको 10 मिनट लगा है। इसमें दूरी उरी सब लगल है तो क्यों साफ सुथरा किए हैं। अभी फोन को कर रहे हैं हीट क्या कि इसका डिस्प्ले निकालेंगे। फूका गया चिप गया था मिल गया ना ढूंढ लिए ना। तो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ब्लॉग रैंकिंग। तो गाइस यार अभी का ब्लॉग मैं फिर से आज दोपहर से स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी तक मेरा भाई सर्दी ठीक हुआ है नहीं। तो अभी मैं जो है जा रहा हूँ मार्केट। मेरा एक और फ़ोन ख़राब हो चुका है। वो मम्मी वाला तो ठीक करवा दिए बनवा दिए बट ये मेरा सेकेंडरी फ़ोन खुद का अपना वाला सैमसंग का इसका मतलब डिस्प्ले उड़ गया। पहले से देखो ये फूटा हुआ था और फूटने चल रहा था और इधर ना जाने क्या हुआ डिस्प्ले ही ब्रस्ट हो गया। चल रहा है कभी कभी खुद से काम करने लगता है कभी कभी कहीं टच नहीं काम करता है। तो सोचे चलो इसको बनवा देते हैं देखते हैं कितना खर्चा आता है। और अभी भाई साहब रोड पे तो जाने का मन ही नहीं करता है एकदम। रास्ता देखो मेरा कैसा हो गया ये देखो एकदम इसमें पैर वैर सब धंस जाएगा बताइए तो। लेकिन हम जो है जुगाड़ लगा देते हैं जुगाड़ से जाते हैं क्योंकि बिना जुगाड़ के कोई चलने वाले भाई ही नहीं। अभी इधर देखो इधर से बच के ऊपर सीढ़ी या सीढ़ी से चले जाएंगे। इसमें भीगने से बढ़िया है कि सीढ़ी पकड़ो और डायरेक्ट छत से होकर रोड पे निकलो। तो चलो अभी चलते हैं आनंद भैया के पास और उनको पूछते हैं कि कितना लगेगा इसमें। गाइस देख लीजिए हम आ गए आनंद भैया के दुकान में। अभी क्या बोलते हैं हमको कि आया है तो अपना मोबाइल खुदे से खोलो। बताइए तो ये सब पैच खोले हमको 10 मिनट लगा है। इसमें दूरी उरी सब लगल है तो क्यों साफ सुथरा किए हैं। अभी फ़ोन को कर रहे हैं हीट क्या कि इसका डिस्प्ले निकालेंगे और हम जो है ओलेड डिस्प्ले लगाने वाले हैं। तो यहाँ के हम ही मिस्त्री बन गए हैं। और ये सुद्धू मेरा लेबर है सब एक सामान रख के रखो इकट्ठा करो सामान के गजब बेइज्जती है ऐसा ही बोल रहे हैं। इसका भी दुकान बगल में है बर्तन वाला दुकान है। तो बोले आनंद भैया कि खोलो तुम खुद से खोल लो अपना फ़ोन मेरे पास डिस्प्ले पड़ा होगा तो देखते हैं पड़ा है कि नहीं पड़ा है तो यही बताएंगे। हम तो फोन अभी गर्म करके डिस्प्ले उस्प्ले निकालने में लगे इसी दुकान में आने के लिए। कब जी बोल रहा है जी किसी का खराब हुआ होगा माल इसी दुकान में आने के लिए। अरे भाई तो वैसे ही कोई नहीं फोन जल्दी बना के दे देते हैं। अगर आपको मतलब कन्हौली वगैरह याद है फोन खराब हो चुका है तो दुर्गा मंदिर यहाँ पे है नीम का पेड़ है ठीक वहीं पे इनका दुकान मिल जाएगा आपको। अरे देखो मकैनिक वाला काम खुद कर रहे हैं। हमको मिस्त्री बना दीजिएगा भैया ना हमको बना दीजिएगा तो हम मोबाइल बनावे लगेंगे तो दुकानें खोल देंगे गाइस। तब तक पहले अपना फ़ोन खोलते हैं तब बाद में दुकान खोलेंगे। भाई जाना भी मैं फ़ोन जमा करके आ गया हूँ घर। और इसको देखो पानी पी रहे हो कटोरे में। और भाई मैं मार्केट से ले गया था समोसे घर के लिए और आया तो पता चला कि इधर देखो सभी लोग खाने में व्यस्त है। क्या जी बोले थे ना कि समोसे लेके आ रहे हैं पेपर है बोले है? क्या ले, अरे भाई बोले कि लेके आते हैं तो एकदम बदमाशी के बना दिए। क्या तुम भी खाएगा मोमो नहीं समोसा है समोसा है बाबू ठीक है मोमोज है। तो फिलहाल अभी हम भी समोसा निकालते हैं और दाल चावल खाते हैं। देखिए हम आए थे अभी फिर से दोबारा मार्केट टिंकू भैया के साथ जी कहे जी एकदम हिल रहा है तो अभी आए हैं काहे के लिए इनको लेना था समोसा और हमको लेना था राजस्थानी जलेबी। काफ़ी दिन बाद आए हैं कि दुकान तो बहुत दिन से खुल रहा है इधर मतलब बीच में चल गए थे घर ठंडे का मौसम आ रहा है तो फिर से दुकान खुल गया है और एकदम गरम गरम जगह आज जलेबी बन रहा है। तो ही बोले आधा किलो जलेबी निकालने के लिए राजस्थान का जलेबी मिल रहा है हमारे कन्हौली और बेटा में खाइएगा भैया आए राजस्थान की जलेबी। अभी बोल रहे कि हम नहीं खाएंगे बहुत अच्छा रहता है जी आधा किलो का है ले रहा खाएंगे अकेले सब कोई खाएगा समोसा सबके लिए आया जा दीजिए एक पीस सब कोई खाएगा समोसा लिए है तो। ये बोल रहे कि हम समोसा लिए तो कोई नहीं खाएगा लाल करके निकालिए थोड़ा सा और कर देते हम गरम गरम जलेबी खा रहे हैं राजस्थान स्पेशल जलेबी। चल चलिए जलेबी लेके चलते हैं घर। जलेबी लेते लेते आ गया पानी देख रहे हैं ये बिना जलेबी डाले हुए एकदम तड़ तड़ आवाज़ आ रहा है बताइए तो। जल्दी से लेते हैं और भागते हैं घर नहीं तो पानी में भीग जाएगा तो फिर से तबीयत खराब हो जाएगा। तो गाइस यार ना भी हो चुका है रात और भाई रात का ही बज रहे हैं 8:30 हो रहे हैं और दुकान बंद करने का टाइम हो चुका है। तो मैं जा रहा हूँ अभी रोड पे उधर से लाना है बाइक। अरे भाई दिख भी नहीं रहा कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा तो बाइक लाना है उधर से रोड पर ही बाइक लगा हुआ है। मैं नहीं लेके आएंगे तो रात में कहाँ चला जाएगा कोई पता है नहीं।
तो अभी रास्ता दिख नहीं रहा है तो जल्दी से चलते हैं रोड पे और बाइक लेके आते हैं। ये देखो रात में इस रास्ते में पता है कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे कौन जा रहा है बताओ, गिर गए तो झूठ मूठ एक तो गंदा हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं अभी और गाड़ी लेके आते हैं रोड पे से। गाइस देखो रुद्रा को भी कैसे कर रहा है, अंदर छिप गया बेडशीट के अंदर। कहाँ है रुद्रा, कहाँ है? क्या कर रहे थे? यार ना मैं आ चुका था गाड़ी लेके घर और भाई घर आने के बाद दुकान भी बढ़ा दिया नहीं बंद कर दिया। और इसको देखो सफेदा से खेल रहा है, देखो क्या कर रहा है ये। बेडशीट को रख दो, मोड़ के रख दो उसको, बेडशीट को फोल्ड कर दो। नहीं फोल्ड नहीं करेगा नहीं, टाटा। तुम तो छिप गया जी। कहा गया? चिप गया था, मिल गया ना, ढूंढ लिए ना। चलो बाहर 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 चलो निकलो। ये भी खेल रहा है इसके साथ, 10-15 मिनट टाइम स्पेंड करता है खेलते हैं। और भाभी जी जानते हैं क्या बनाई है, क्या बनाई है जी? इनका तो आज तबीयत ही ठीक नहीं था, अब ठीक है तबीयत? अभी मतलब इनको बारिश के कारण पूरा बुखार हो गया था तो दवाई वाई मिला है तो अभी फिलहाल तबीयत इनका ठीक है। मम्मी का तबीयत खराब था। कुछ खा लेते हैं करा मात इसका। अरे 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 जंप करो, जंप करो, कूद जाओ। अरे वाह, अरे गिर जाएगा, इधर किनारे है, गिर जाएगा। नहीं, नहीं गिरेगा।